नमस्ते सारे चेहरे पे स्माइल, बहुत अच्छी बात है। स्माइल कंटीजियस होती है ना, आप स्माइल करे तो स्माइल में। ओके, एक सवाल पूछना चाहूंगा, चलेगा? सबसे मुश्किल क्या है? कोई ऑप्शन नहीं, आपको बता रहे हैं। बहुत सारी चीजें मुश्किल है। स्वस्थ रहना, डिसीजन लेना। सर स्वस्थ रहना, मुस्कुराते हुए रहना और खुश रहना। मैक्सिमम लोग इतना सारा सर्कस खुद ही करते हैं, किस चीज के लिए करते हैं? हेल्दी रहना, फिट रहना, हैप्पी रहने की, पैसे कमाने के लिए। तो मिला जुला के बहुत सारी अलग अलग लेवल पे हमारे पास मुश्किलें हैं, है ना? जिसको सपोज आईएएस का एग्जाम देना है तो उसके लिए शायद एग्जाम सबसे मुश्किल की काम है। उसको घर चलाना है उसके लिए पैसे सबसे मुश्किल की काम है। पर आप पैसे खो करके एक बार फिर से कमा सकते हैं, आईएएस फेल होकर के पास हो सकते हैं, लेकिन सबसे मुश्किल है एक बार आप पूरी तरह से अनहेल्दी हो जाए, थोड़ा बहुत एक बार उस डब्बे में आ गए, फिर से वो छलांग लगा के हेल्दी वाली कैटेगरी में आना बहुत मुश्किल है, है ना? सो हेल्थ को अगर इम्प्रूव करनी है तो हेल्थ हमारे बॉडी से ज्यादातर रिलेटेड है, हालांकि आज साइंस बता रहा है साइकोसोमेटिक है, सारी बीमारियां शरीर और मन से जुड़ी हुई है। तो शरीर को हेल्दी रखना और मन को हेल्दी रखना दोनों साइमल्टेनियसली साथ में हम कर सके तो वो सबसे बेहतरीन होगा लंबे समय तक के लिए, इतना लंबा कि आप मरते समय और हम मरते समय भी स्वस्थ रहें। और ये रेशियो पिछले कुछ दशकों में बहुत कम हुआ है, पहले लोग हेल्दी मरते थे, आज लोग बीमारी से मरते हैं। तो शरीर को अगर सही में स्वस्थ रखना है, यहाँ पे देखिए लगा हुआ है बॉडी 70% वाटर, बहुत आसान भी है ये। अगर हम पानी को सही रखें, सिर्फ मशीन लगाना नहीं, सही तरीके से उसका यूज करना, मशीन तो लगाना है ही, पर अगर आप उसको सही तरीके से पिएंगे प्रॉपर टाइम पे जो रूल्स है रूल्स के हिसाब से, आपकी पानी डाइजेस्ट हो, अगर आपकी पानी डाइजेस्ट होगी तो 70% लगभग आपके फिजिकल प्रॉब्लम्स वो रिजॉल्व रहेंगे। शरीर के अंदर जो जन्मने वाले जो बीमारियां हैं, बड़ी बीमारियां जैसे कैंसर, ये शरीर के अंदर पहले जन्म लेती है, वो सब चीजें नहीं होंगी। अब आएगा मन, मन को ठीक करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मन को स्टेबल करने के लिए एक बेसिक लाइवलीहुड अभी के समय में जितना चलाना है उतना पैसा चाहिए ही चाहिए, नहीं तो आप शांत नहीं रख सकते। पॉसिबल है? तो पैसे जरूरी है मन को थोड़ा सा शांत रखने के लिए, ताकि आप थोड़ा फ्री रख सको अपने आप को। ये बिजनेस जो साहिब ने पूछा आप क्यों कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने मशीन ली, एक साल घर के लिए यूज किया, लेकिन और चीजों को करने के लिए थोड़े पैसे भी आ सकते हैं, और वो भी बहुत सात्विकता से आ सकते हैं, पानी बांट के आ सकते हैं, लोगों को सही चीज बता के आ सकते हैं। ये और भी शायद बहुत सारी चीजों से आती होगी, पर सबसे आसान तरीका है अगले 3 से 6 महीने एक साल में आप एक बेहतरीन इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम बीइंग हेल्दी। तो शाहिद के सवाल का ये जवाब था, राइट? पर इन सबसे कठिन है, मुश्किल है जो मेरा सवाल था वो है आदतें बदलना। सबसे मुश्किल काम जीवन में है आदत बदलना। आदत किस तरीके का?
आज से 10-20 साल पहले जब हम पानी खरीदते थे 20 रुपए का 10 रुपए का, मुझे याद है मैं ट्रेन में चलता था तो लोग 10 रुपए का बॉटल खरीदते थे और मैं रेलवे स्टेशन का पानी भर के लेके आता था और सोचता था ये कितने मूर्ख है, पानी तो मिल ही गया वही बॉटल है। तो पानी में इन्वेस्ट करना, ये माइंडसेट बदलने में बहुत समय लगा, बहुत सारा एडवर्टीजमेंट करना पड़ा कंपनियों को और आज हम बहुत आसानी से पानी खरीद लेते हैं। आज क्लिनिक हॉस्पिटल डॉक्टर को पैसा देना बहुत आसान है क्योंकि हमें आदत है, तुरंत जाएंगे हमें पता है पैसा लगने वाला है। लेकिन वही किसी को अगर आप नेचुरोपैथिक तरीका बताइएगा कि आप इससे हेल्दी हो सकते हैं, हेल्दी होने के लिए दवाओं के ऊपर 20-25-50 हजार रुपए का सुई लगाने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप बोलेंगे कि एक दूसरा आदत बदलो, आप एक कुछ हेल्दी टूल्स खरीदो, एक नॉर्मल एक्यूप्रेशर का मशीन भी खरीदो छोटी सी चीज, या एक योगा का मैट खरीदो, बहुत मुश्किल लगता है वो खरीदना, बहुत हल्की सी चीज है। सो 2-3 लाख रुपए का कोई इन्वेस्टमेंट करना आदतन हमारे अंदर है नहीं और इसके कारण कभी कभी ये बिजनेस में हमारे लिए लर्निंग भी लेके आता है, चैलेंजेस भी लेके आता है, क्योंकि बेनिफिट प्रोडक्ट सब समझ में आती है। आदत बदलना एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल से, अनहेल्दी हैबिट से, एक अनहेल्दी थॉट प्रोसेस से हेल्दी में कन्वर्ट होना, ये बदलना फिजिकल और मेंटल ये दोनों आदतों को बदलना, ये सबसे मुश्किल है। ये मैंने मेरे एक्सपीरियंस से सीखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग आए और उस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए जो न सिर्फ हमें अच्छे स्वस्थ खुद को बल्कि पूरी फैमिली को एक साथ एक बेहतरीन सकारात्मक बदलाव या चेंज की ओर पुश कर रहा है, एक ऐसा एनवायरनमेंट बना के दे रहा है बाय डिफॉल्ट, आप चाहें या ना चाहें, बिल्कुल वो दरवाजे की तरह है। अगर वहां पे नीचे में पैर साफ करने वाला रखा हुआ है तो अपने आप साफ पैर हो जाएगा। तो अगर आप किचन में इस मशीन को लगाते हैं तो आप चाहो ना चाहो आपके बेटे, आपके बच्चे, आपके बड़े बुजुर्ग सब पानी पियेंगे और अपने आप अंदर से स्वस्थ होंगे फिजिकली, क्यों 70% बॉडी इज वाटर एंड द मोस्ट प्रॉपर्टीज जो हेल्दी वाटर प्रॉपर्टीज हैं वो सब इस पानी में साइंटिफिकली अब तो प्रूवन है, नहीं तो प्रैक्टिकली पीनी चेक करनी, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हम सब लोग स्वस्थ रहें यह मेरी कामना, यही ईश्वर से प्रार्थना और जिसने भी मेरे अंदर से बोला और आपके अंदर से सुना उस निष्ठा स्वरूप परम पिता परमेश्वर को मैं अपना वंदन अर्पण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।